हेलो स्टूडेंट्स, 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके से डिस्कस करने के लिए हैं, जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, तालिबान से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ चुके हैं। तालिबान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है अपना। उन्होंने कहा, भाई हमने 85% से ऊपर प्लेस पे कंट्रोल कर लिया। बहुत बड़ी चीज़ है। तालिबान के कुछ की फेसेस हैं जो रूलिंग करेंगे। देखिए, पहले रूल कर चुके हैं, एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसको इतनी जल्दी ब्रेक करना मुश्किल है। यूएसए के जाने के बाद, जैसे यूएसए गया, इनकी पावर अब इंक्रीज हो जाएगी और अब इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तालिबान ने फ्राइडे को भी कहा है कि जो सुन्नी मुस्लिम इंसर्जेंट ग्रुप था उस पर भी कंट्रोल ले लिया गया है। अफगानिस्तान की 85% ऑलमोस्ट टेरिटरीज जो है इनके पास है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने ये सारी चीजें एकदम अलग से बोली, कह रहा है प्रोपोगेंडा है कैंपेन का, और ये सारी चीजें अभी बहुत मुश्किल है। 20 साल की फाइटिंग हुई है बेटा, 20 साल यूएसए आ रहा है, और जैसे इन्होंने अनाउंस किया ये देश छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तालिबान फाइटर ने एक बहुत बड़ी चीज की है, दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेरात प्रोविंस हो गया, जहां पर कई सारे 37,000 रहते हैं, उनको कैप्चर कर लिया। इसके बाद तोर गुड्डे एक शहर है, ये आपका अगर मैप में देखेंगे तो ये प्लेस है, आप देखिए तुर्कमेनिस्तान के पास जा रहा है, तो ये इन्होंने कैप्चर कर लिया। और कई अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने रिफ्यूज लिया है तजाकिस्तान में, और मॉस्को के लिए भी कंसर्न है क्योंकि इन दोनों की ज्वाइंट आर्मी यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा है कि हम सारे इस्लामिक एड्स के मेजर लेंगे, है ना, और अफगान टेरिटरी को कहीं पर भी फ्यूचर में किसी के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे, एक ऑफिशियल ने ये कहा। इन्होंने कहा पूरे एंटायर वर्ल्ड और सबको ये लर्न करना चाहिए कि 80% टेरिटरी जो है अब तालिबान के अंडर है, मतलब अब तालिबान गवर्नमेंट आएगी। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी बहुत बड़ा है बेटा यहाँ पर। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की अगर बात करेंगे, आपको पता है हेल्थ इश्यूज बहुत है, पेंडेमिक भी चल रही है, तो यहाँ पर मेडिकल सप्लाईज हिंडर होंगी। WHO में डॉक्टर रिक बैरन है, इन्होंने कहा 18.4 मिलियन पीपल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, 3.1 मिलियन जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इन्होंने कहा हमारे पास लैक नहीं है, एसेंशियल मेडिसिन नहीं है, सप्लाई नहीं है, और उसके बाद यूएसए भी अब यहाँ नहीं है। और दूसरा इन्होंने जेनेवा में कहा भाई इन चीजों को वीडियो कॉलिंग के थ्रू की सिक्योर करना है। कुछ एड अराइव होने वाला है, 3.5 मिलियन कोविड वैक्सीन है जो कोवैक्स फैसिलिटीज के थ्रू आएंगे, जॉनसन एंड जॉनसन के शॉट आएंगे और एस्ट्राजेनेका के शॉट आएंगे, जिसको आप कोविशील्ड बोलते हैं। US डोनेशन से 1.4 मिलियन डोजेस जॉनसन जॉनसन के फ्राइडे को अभी पहुंच चुके हैं, ये भी यूनिसेफ में यूनिट एजेंसी ने कहा। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि भाई हमारा फ्यूचर का टास्क था वो पूरा हो चुका, तो अब हम सारी जनरेशन को तो अमेरिका के वहां नहीं रख सकते। इन्होंने कहा हम 31 अगस्त को अपना पूरा विड्रॉल पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पर हमने ट्रेन पर्सन है उनको बैठा देंगे। ब्रिटेन ने कहा है बहुत लंबी बैटल चली है, इसमें इनका काम था अलकायदा को खत्म करना, उन्होंने कर दिया, उसके बाद उनका काम था उसामा बिन लादेन को मारना, उन्होंने मार दिया, तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ था ही नहीं। अब आई अफगानिस्तान का राय, अफगानिस्तान में तालिबान के राइज के बारे में बात करते हैं। 1973 में बेटा वहां पे मिलिट्री कूप होता है, मिलिट्री कूप के थ्रू वहां के जो राजा होते हैं मोहम्मद जाहिर शाह, इनको हटा दिया जाता है और वहां पे रिपब्लिक अफगानिस्तान की आर्मी बन जाती है। जो कि प्रोमिनेंट लीडर होते हैं वो पाकिस्तान फ्लट कर जाते हैं, फिर 1979 में ये रिपब्लिक नहीं चल पाता और अफगानिस्तान पे USSR अटैक कर देता है। उसके बाद मुजाहिदीन को USSR फंड कर, USSR के अगेंस्ट USA फंड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने फंड किया कोल्ड वॉर स्ट्रगल में, CIA इनके साथ मिला था, अलकायदा इन्हीं का बनाया हुआ है एक तरीके से माना जाए, इन्हीं का ऑपरेशन के बाद जिहादी सारे आए थे, ये आए किसी और चीज के लिए थे, बाद में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन बोलते हैं, और साइक्लोन के बाद भी बाद में USA के अगेंस्ट खड़े हो गए। तालिबान का राइज हुआ, तालिबान और ये स्टूडेंट इन्हें बोला जाता है, ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में गए, वहां पे सोवियत ट्रूप्स के अगेंस्ट खड़े हुए। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था तालिबान मूवमेंट को, और तालिबान ने प्रॉमिस किया था इस एरिया में पीस सिक्योरिटी इन्फोर्स करेगा और शरिया लॉ लगाएगा। शरिया लॉ एक इस्लामिक लॉ है जो खतरनाक माना जाता है। तालिबान कैप्चर कर लिया 1996 में, 1998 तक 90% का अफगानिस्तान इनके पास था। मुजाहिदीन के साथ फाइटिंग सोवियत यूनियन को जब खत्म किया इन्होंने, तब उस टाइम पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई भाई, सबको बहुत प्रॉमिसिंग लगे ये लोग, और ये जब प्रॉमिसिंग लगे तो लोगों को लगा चलो भाई अच्छी चीज है, अब इन सबको हम ध्यान देते हैं। तो ये प्रॉमिसिंग नोट पे यहाँ आए, तालिबान में जब आए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इन्हें वेलकम किया। तालिबान की पॉपुलैरिटी इसीलिए थी क्योंकि ये पहली बार आए थे, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे थे, और भाई लॉलेसनेस थी,
और रूट्स बनाना, इन सब चीजों में जब लगे तो इनके कंट्रोल में जो थे वहां पे कॉमर्स सेफली फ्लरिश करे ये कोशिश की। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप बेटा शरिया लॉ की बात करते हैं, इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, तो आप देखिए वुमेन की कंडीशन बिगड़ जाती है, 10 साल के बाद बच्चों को एजुकेशन देने से मना कर देते हैं, फीमेल्स के साथ टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है, मेल के दाढ़ी लगने के बाउंडेशन है कि दाढ़ी के बिना आप नहीं रह सकते, क्लीन शेव नहीं रह सकते, तो पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट शरिया लॉ बनाते हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं हेरिटेज को भी खराब करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो बेमियान बुद्धास की एक स्टैचू थी जिसको इन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया था, इनसे बोला गया कि भैया इसे मत करिए, यूनेस्को ने भी बोला, सबने बोला, तो इन्होंने अलकायदा पे ब्लेम डाल दिया, देखिए स्टैचू इन्होंने ब्लो कर दी और आज प्रोजेक्शन से उस स्टैचू का एक इमेज बनाई जाती है। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर थी बेमियान वैली में और इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब ये आए थे तालिबान में तो तालिबान की इतनी पावर स्ट्रांग थी, उसके बाद 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ न्यूयॉर्क यूएसए में, तो तालिबान को हेल्प कहा गया कि आपने ओसामा बिन लादेन की हेल्प की है इस मोमेंट में, इसलिए यूएसए ने यहाँ पर अटैक लॉन्च कर दिए और 7 अक्टूबर 2001 में अटैक लॉन्च हुए थे, दिसंबर में तालिबान की सरकार गिर गई। तो सोचिए यूएसए क्या कि बहुत वीक है। 2011 में ओसामा बिन लादेन ने कहा कि भाई जो हमारा पर्पस तो वो खत्म है, तो हम तालिबान या अफगानिस्तान दोनों अपना फेट मिलकर डिसाइड करें, हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, तो ये दोनों यहाँ से मूव करते हुए देश छोड़ के जाने लगे। आज की डेट में 34 प्रोविंसेस हैं, 421 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 85% इनके पास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो काबुल का एरिया है इसको छोड़कर ऑलमोस्ट, और ये थोड़ा बहुत एरिया छोड़कर बाकी सारा तो तालिबान के हाथ में जा चुका है। तो भाई तालिबान की गवर्नमेंट बनना कंसर्न किसके लिए है? इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा, अदर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा, पाकिस्तान के लिए कंसर्न है कि नहीं ये तो वेट एंड वॉच है, तो बाद में पता चलेगा। बट हाँ, इश्यूज तो बेटा आएंगे आएंगे, इस चीज को कोई नहीं डिनाई कर सकता, ये चीज समझनी पड़ेगी। तो वेट करते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान सोल्जर्स जा चुके हैं, यहाँ पर रशिया के भी सोल्जर्स रहते हैं इनके साथ, तो अब देखते हैं क्या रियल में रशियन आर्मी यहाँ पे इन्वेट करती है और चाइना यहाँ पर कंट्रोल करती है या इंडिया इनको एड देती है। एक सिंपल सा है कि जितने भी नेबरिंग नेशन है उनको इनका सपोर्ट में साथ आना पड़ेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी या तालिबान भी आए तो एक पीसफुल रेगुलेशन के साथ आए, तभी ये देश चल पाएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई व्यूज आता है प्लीज इसे डिसलाइक करिए, आपको पूरा हक है। और अगर प्लीज अच्छा लगता है शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जब पहुंचाते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।